तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नए वीडियो में। मास्टर इसे हम पहले देख चुके थे पर अभी फिर से देख लिया, वजह है लोकेश कनगराज। क्या करे जब विक्रम और कैथी में लोकेश भाई साहब के इतने सारे हिडन डिटेल्स देखे तो सोचा यार मास्टर में भी होगा, हमने तो पहले उसे देखते टाइम नोटिस किया ही नहीं था और फिर ये मास्टर मूवी देखने बैठ गए। तो भाई अब हमने मास्टर में जितने सारे डिटेल्स को नोटिस किया ना, हमें लगता है आप उनमें से बहुत सारे डिटेल्स को मिस कर दिए होंगे, जिसके बारे में कि आज हम आपको बताने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस वीडियो का आनंद लीजिए। ठीक है तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मास्टर में डायरेक्ट ने जेडी और भवानी को एक ही जैसा दिखाया है, इन दोनों का पेरेंट्स नहीं है, ये घर छोड़कर कहीं और बढ़ते हैं, एक ही तरह के बनियान पहनते हैं और फाइट के टाइम भी स्टाइल सेम ही मारते हैं। एक फाइट के बाद अपने शर्ट में हाथ साफ करता है तो दूसरा फाइट से पहले शर्ट को मुंह में लगाता है। ऐसे में देखा जाए तो ये दोनों एक ही जैसे लगते हैं पर इनका कैरेक्टर नहीं, इनका कैरेक्टर्स को देखा जाए तो सब उल्टा लगता है। जैसे कि अल्टर ईगो, जेडी का एंट्री बस का लेफ्ट साइड से होता है तो भवानी की एंट्री ट्रक की राइट साइड से होता है। जेडी अच्छा आदमी होते हुए भी नशा करता है तो भवानी बुरा आदमी होते हुए भी नशा को हाथ नहीं लगाता है। जेडी नशा करते हुए भी बच्चों को सुधारता है तो भवानी नशा ना करते हुए भी बच्चों को बिगाड़ता है। जेडी भगवान को पूजते हुए नहीं दिखता फिर भी अच्छा है तो भवानी हर भगवान का पूजा करता है फिर भी वो बुरा है। जेडी हर जगह भरोसा की बात करता है तो भवानी हर जगह पैसों की बात करता है। जेडी जब ऑब्जर्वेशन होम में जाता है तो अच्छा बन के निकलता है तो भवानी जब ऑब्जर्वेशन होम में जाता है तो बुरा बन के निकलता है। ऐसे और भी बातें हैं जो कि इन दोनों के साथ उल्टा होता है, जैसे कि जेडी पहले कभी सीरियस नहीं होता और ना ही कभी वो रोता है पर जब से वो बदलना स्टार्ट करता है वो भी क्लाइमेक्स आते आते रोने लगता है, लेकिन भवानी के साथ ये उल्टा हुआ है। ये भाई साहब का रोने वाला चैप्टर फिल्म का स्टार्टिंग में ही खत्म हो चुका था और तब से लास्ट तक इन्हें रोना नहीं पड़ता। जेडी को पढ़े लिखे स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिलता है तो भवानी को अनपढ़ गुंडे बच्चों का सपोर्ट मिलता है। ऐसे में देखा जाए तो इनकी एंट्री भी ठीक उल्टा ही होता है। जेडी का एंट्री दिन में होता है और लड़खड़ाते हुए एंट्री मारता है, जबकि भवानी की एंट्री रात में होता है और वो एंट्री मारते टाइम एकदम कॉन्फिडेंस से स्ट्रट चल रहा होता है। क्यों पता है? क्योंकि जेडी तब नशेड़ी था और उसे उसके लक्ष्य के बारे में कोई पता नहीं था, जबकि भवानी नशेड़ी नहीं था और उसे पता था कि आगे उसे क्या करना है, तभी तो सीधा अपने लक्ष्य की तरफ बिना लड़खड़ाए बढ़ रहा था भाई। और हाँ, एक और बात शायद आपको स्टूपिड लगे पर ये भी नोटिस करने लायक लगा तो बता रहे हैं। देखो ये दोनों को एक एक बोतल मिलता है और उसके बाद ये दोनों बदल जाते हैं। जेडी को जब सर के पीछे बोतल लगता है वो सच जानकर हंगामा करता है और कॉलेज से बाहर होकर भवानी के दुनिया में आ जाता है, जहां सब सही करके जेडी बदल जाता है। और भवानी को भी जब मुंह पे बोतल लगता है तो ये भी जेडी को सीरियस लेने लगता है और हमेशा अपना विजन क्लियर रखने वाला बंदा भी बौखला के कुछ भी करने लगता है और गलती करके आखिर में मारा जाता है। अब जेडी का बदलना, ये बात शायद बहुत से लोग नोटिस किए होंगे पर फिर भी शायद कुछ भाई इसे मिस कर दिए होंगे इसलिए बता रहे हैं। हम सब जानते हैं जब से वो दो लड़का मारे जाते हैं तभी से जेडी चेंज हो जाता है और दारू वगैरह फेंक के अच्छा बन जाता है ना। लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया कि जेडी बदलने के बाद वो जेडी का बिल्ली कहाँ गया? नहीं है ना, वो जब से नशा छोड़ देता है तब से बिल्ली को भी जेडी के आसपास नहीं देखते, क्योंकि बिल्ली को हमारे यहाँ अपशगुन और आलसी का कारण भी माना जाता है। आपको अगर पता ना हो तो बता दे, बिल्लियाँ दिन का 24 घंटे में से ज्यादातर टाइम सो के निकाल देते हैं, ऐसा हमारा नहीं गूगल का कहना है। और शायद ये बात जेडी के साथ मैच करता भी है, क्योंकि जेडी भी पहले दिन रात का पता लगे बिना हमेशा सोते हुए नजर आता था जैसे कि एक बिल्ली हो, पर वो इंसिडेंट के बाद कभी भी जेडी को ऐसे आलसी की तरह सोते हुए नहीं दिखाया गया, क्योंकि अब बिल्ली के साथ साथ वो सारी आदत भी जेडी के अंदर से जा चुका था। और यहाँ वो आदत जाने का एक अच्छा सा एग्जांपल भी डायरेक्टर ने अच्छे से दिखाए है। जेडी वो बच्चों को देखते ही जेडी के हाथ से वो बिल्ली उतरकर भाग जाती है, जिसका कि मतलब ये था कि वो सीन देखते ही जेडी के अंदर का वो आलसी इंसान जा चुका है और जेडी जाग चुका है। और सच में यही होता है, जेडी चेंज हो जाता है, जिससे कि जेडी तभी से आखिर तक हमें म्यूजिक सुनते हुए भी नहीं दिखता, नहीं तो वो हमेशा म्यूजिक में लगा रहता था ना भाई, जगह रहने के लिए म्यूजिक तो चाहिए ही। पर अब जबकि उनका बिल्ली वाला फ्रेंड के साथ उनका आलस भी बॉडी से जा चुका है तो म्यूजिक का क्या जरूरत है ना। और हाँ, आपने इसके बाद जेडी का हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, चश्मा वगैरह सब नोटिस किया होगा, सब चेंज हो जाता है। हाँ, मतलब नींद ना आने पर भी कभी कभी चश्मा पहन लेते हैं स्वैग के लिए, पर म्यूजिक तो भाई कभी नहीं। अब आप लास्ट का वो बच्चा वाला सीन के बारे में मत बोलना। और हाँ, अगर आपने नोटिस किया होगा तो जेडी का बदलने में दो चेंजेस और भी दिखता है। एक तो पहले जेडी स्टाइल से च्युइंगम खा नहीं पाता पर नशे छोड़ने के बाद खा पाता है, और दूसरा जेडी पहले तीर भी चला नहीं पाता लेकिन नशा छोड़ने के बाद अच्छे से तीर भी चला लेता है। खैर तो अब चलो कुछ और डिटेल्स को देख लेते हैं। जेडी का गाड़ी नंबर है 3288, तो इसे दो दो लेटर में अलग करके हम अगर 32 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 64 मिलता है, और 88 को भाग करके हम अगर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फिर से हमें 64 ही मिलता है। और ये मास्टर मूवी तलापति 64 ही है। क्या मस्त डिटेल्स है ना। ये सीन में हमें जेडी के पीछे त्रिशूल, 786 और क्रॉस का सिंबल देखने मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ सारे धर्म को पूजने वाला भवानी का राज चल रहा है और यहाँ किसी और का चलने का तो नाम ही नहीं है। इसलिए ब्लैक बोर्ड में भी हमें ऐसा कुछ देखने मिल जाता है जिसमें वहाँ से मास्टर भाग रहा होता है। इन बच्चों के सामने जेडी लेट मी सिंग ए छोटी स्टोरी बोल के एक इंग्लिश गाना गाता है, जिसके पीछे भी शायद एक डिटेल्स छुपा है, नहीं तो वो हिंदी में भी गा सकता था ना भाई, इंग्लिश में ही क्यों। तो देखो जेडी हमेशा इंग्लिश गाना ही सुनता था और उसके कमरे में भी आप काफी सारे इंग्लिश आर्टिस्ट के पोस्टर देख सकते हो, और वैसे भी इनका एंट्री में और इनका रिंगटोन में भी हमें इंग्लिश गाना सुनने मिल जाता है। तो जब इनका चारों तरफ सिर्फ इंग्लिश गाना ही भरा पड़ा है तो ये हिंदी या तमिल में क्यों गाएंगे भाई, है ना। और यही जेडी का रूम में हमें एक और
डिटेल्स भी देखने मिलता है। चारों तरफ किताबें, शराब की बोतलें और म्यूजिक का ढेर सारा इंस्ट्रूमेंट। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि जेडी की लाइफ में सिर्फ तीन ही चीजें इंपोर्टेंट है, एक पढ़ना या पढ़ाना, दो म्यूजिक सुनना और तीन शराब पीना। पुलिस स्टेशन वाला सीन में हमें जेडी के पीछे एक पोस्टर देखने मिलता है जिसमें फेक जॉब के बारे में लिखा होता है। तो ये चारू का दिया हुआ फेक जॉब के बारे में है क्या? क्योंकि जेडी के साथ तो सिग्नेचर कॉपी वाला धोखा हुआ था ना भाई। पर फिर भी आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करो। लोकेश भाई साहब के मूवी में हर एक चीज का एक मीनिंग होता है, जैसे कि कैथी में वो झुमका का महत्व था, वैसे ही मास्टर में ये लेटर का भी है। कैथी में झुमका टूट जाता है तो दिल्ली भड़क जाता है, और यहाँ लेटर फाड़ दिया जाता है तो जेडी भड़क जाता है। ये सीन में हम जेडी को अंधेरे छोड़ रोशनी के साइड में खड़े हुए देख पाते हैं, जिसका की मतलब ये भी हो सकता है कि जेडी अब अंधेरों से उजालों में आ चुका है, क्योंकि इसके बाद ही हम जेडी को सब दारू फेंक के बदलते हुए देखते हैं। ये सीन में जेडी अपने हाथ में लंबा बाल देकर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसने उसी दिन अपने कॉलेज के स्टूडेंट को बुलाकर सबका बाल वगैरह काटा था, तो कुछ ही घंटों में उनके मुंडी पे ये लंबा बाल कहां से आ सकता है। तभी तो वो फोन करके कंफर्म करता है कि अपना सारे बच्चे अंदर तो है ना, और उसके बाद जाके वो गुंडों का धुलाई करता है, क्योंकि जेडी समझ गया था कि ये लंबे बाल वाले प्राणी सब बाहर से आए हुए हैं, जैसे कि पहले कॉलेज में आए थे। ये सीन पर चारू जब जेडी का बनाया हुआ निशान दिखाती है तो वो लोग इसके ऊपर अटैक करने आते हैं, लेकिन ये दिखाने के बाद उन्हें तो खाना देना चाहिए था ना, लेकिन ये लोग मारना क्यों स्टार्ट किया हमें बताया ही नहीं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? हमें लगता है वो निशान सिर्फ लड़कों के लिए था, ना कि लड़कियों के लिए। तो इससे उन्हें पता चल गया था कि ये कोई और है, इसीलिए शायद वो लोग चारू के ऊपर अटैक कर रहे थे, ऐसा हमें लगता है। पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करो। ये सीन में हमें भवानी के गले में एक राउंड बैंडेज दिखता है, क्योंकि वहाँ पिछली रात जेडी ने पहन लगाया था। इसे डायरेक्टर इग्नोर मारते तो भी चल जाता, कोई भी इसे ध्यान नहीं देता, लेकिन डायरेक्टर साहब ने इसे भी नहीं छोड़ा। भवानी जब उन बच्चों को मारा तो पीछे लाइट में हमें झिलमिलाहट देखने मिलता है, और जेडी भी जब भवानी को मारता है तभी भी हमें पीछे लाइट में झिलमिलाहट देखने मिल जाता है। लगता है ये भवानी के पापों का कॉल बैक था। आपने कई सारे फिल्मों में देखा होगा विलन हथियार उठाता है पर हीरो नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। इसमें जेडी बहुत सारे जगहों पर हथियार उठाया है पर भवानी नहीं। ये भाई साहब तो वन पंच मैन है ना भाई। इसमें जैसे जेडी का ओरिजिनल लव स्टोरी के बारे में हमें आखिर तक पता नहीं चलता, वैसे ही हमें जेडी का पूरा नाम भी हमें आखिर तक पता नहीं चलता। क्लाइमैक्स के बाद जाकर हमें जेडी का पूरा नाम पता चलता है, वो भी जेल में जाके। तो भाई बस ये था मास्टर मूवी के कुछ डिटेल्स जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आप इनमें से कितने डिटेल्स को नोटिस किए थे हमें कमेंट करके बताओ। और हाँ सुनो, हमने ना एक नए चैनल क्रिएट किया है जिस पर हम फिल्मों से जुड़ी ढेर सारी वीडियो लाने वाले हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। हम बहुत ही जल्द उस चैनल पे भी वीडियो डालना स्टार्ट करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो।